हम बात करने जा रहे हैं टेक्स कैटेगरी के फॉर्मूले। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा और यहाँ पे फॉर्मूला आता है एरे टू टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया फॉर्मेट जीरो। अब बोले जैसे सुजीत आया, क्या फायदा है? फायदा है इसका भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेम लिख देता हूँ और पूजा, ये चीजें भी आपको एरे फॉर्मूला में पता चलेगा, लेकिन अभी करता क्या है ये चीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दोनों को ज्वाइन करता है कॉमा लगा, तो एरे टू टेक्स्ट हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा, हमने यहाँ पे अगर जीरो कर देते हैं तो इस तरह से ये सारे कॉमे में आ जाते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे टू करते हैं कर्ली ब्रैकेट इन्वर्टर कॉमा दोनों आ जाता है अगर वन करते हैं। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज हम आपको एरे फॉर्मूला में समझाएंगे, इसके यूज हम एरे फॉर्मूला में कैसे यूज करते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। उसके बाद आता है आपके सामने क्लियर एंड कोड। बैटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज होता है, नंबर को बैथ टेक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और बैथ लैंग्वेज ना हमें आता है ना आपको आता है, इसको छोड़ते हैं। थाईलैंड की लैंग्वेज है, थाईलैंड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम देते हैं ए। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला आता है कोड का, कोड जो है करेक्टर को कैरेक्टर में और वापस कैर फॉर्मूला करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, इसको नंबर को। क्या यूज है अभी भी नीचे इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, कभी कभी हमारे पास डेटा में डेटा आता है इसमें बहुत सारे अनवांटेड स्पेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि स्पेस के साथ आपका सुजीत आता है। अब मुझे क्या करना है कि इनको क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए ये आपका क्लियर हो गया। तो ट्रिम फॉर्मूला कभी भी स्पेस को रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सुजीत कुमार और सुजीत कुमार और सुजीत के बीच में देखिए कितना गैप है, बट एक गैप छोड़ के एक स्पेस छोड़ के बाकी सारे स्पेस को रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैंने सुजीत लिखा ऑल्ट एंटर और यहाँ पे कुमार लिखते और यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला क्लियर इसका क्लीन का, क्यों मैं क्लीन का लगाऊंगा? क्योंकि ट्रिम फॉर्मूले इसको नहीं रिमूव करेगा। अब देखें लेन का फॉर्मूला लगा के जो कि लेफ्ट ये दिखाता है आपका सेल का नंबर ऑफ करेक्टर बताता है, तो ये आपके सामने नंबर ऑफ करेक्टर बता दिया 12, बट मैनुअल काउंट करने पे करेक्टर ऑफ ये 11 करेक्टर ही आते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है किसका? क्लीन का। क्लीन फॉर्मूला हर तरह के अनवांटेड करेक्टर को रिमूव कर दे, बट तो सेपरेटर हटा दिया, जो सेपरेटर चाहिए होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जी यहाँ पे नंबर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी भी करेक्टर को अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करना, तो उस केस में हम फॉर्मूला देते हैं सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हम इसको सिलेक्ट करते हैं कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, जो हमारा ओल्ड टेक्स्ट है इन्वर्टर कॉमा में हमने यहाँ पे डॉट दे दिया, फिर कॉमा हमने बोला कि इसको डैश में कन्वर्ट कर दे। तो देखिए इसने डॉट को डैश में कन्वर्ट कर दिया, डॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया? डैश में। अब यहां पे ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और इस पे हमने बोला कि भाई डॉट को डैश में कन्वर्ट कर, एक लास्ट में इंस्टेंस नंबर भी है। इंस्टेंस नंबर का मतलब है कि ये आपका करेक्टर नंबर पोजीशन नंबर, हमने वन कर दिया तो पहले को रिमूव करेगा, अगर हम यहां पे टू करेंगे तो दूसरे को, थ्री करेंगे
तो तीसरे को, और कुछ ना करेंगे तो सबको। इसी तरह का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास रिप्लेस का, रिप्लेस फॉर्मूला। अब इसको सिलेक्ट किया और रिप्लेस फॉर्मूला में मैंने बोला कि मुझे चौथे नंबर से एक करेक्टर को स्लैश कर देना है। अब रिप्लेस फॉर्मूला का काम भी किसी सेल वैल्यू को अनदर सेल वैल्यू से रिप्लेस करना ही है, लेकिन ये वही है आपका कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा करेक्टर। ये अपने पोजीशन बता दिए कि चौथे नंबर से, पांचवें नंबर से, दसवें नंबर से एक करेक्टर, दो करेक्टर, चार करेक्टर, वो ऑटोमेटिक कर देगा क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया। ओके, पारी आती है कि ये जो सुजीत कुमार लिखा हुआ है इसके बीच में मुझे लगाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने लगाया था रैप टेक्स, इसके लिए हमने ऑल्ट एंटर प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर, लेकिन फॉर्मूले के बीच में तो हम ऑल्ट एंटर नहीं कर सकते ना। यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट लगाया और ओल्ड टेक्स्ट के जगह पे मैंने मार दिया इस तरह का, ओल्ड गलत हो जाएगा। तो यहां पे हमारा एक काम आएगा कि आप किसी भी एक सेल में जाएं, जैसे मैंने यहीं पे ऑल्ट एंटर प्रेस कर दिया, ऑल्ट एंटर करने के बाद मैंने कोड का फॉर्म, तो कोड में इसका कोड आया 10, मतलब कि कैर के अंदर हम 10 डाले तो सेम करेक्टर रिप्लेस हो सकता है। ठीक है सर, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का, इसको सेलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट में लगाया कैर 10 और यहां पे स्पेस दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा हो गया। नया था मामला कि नहीं सर? ये तो यहां हम आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे हमने दिया, हमने यहाँ पे इक्वल अपर का फॉर्मा लगाया कि अपर में कन्वर्ट हो गया, मैंने यहाँ पे लोअर का फॉर्मा लगाया तो लोअर में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर का फॉर्मूला यहाँ पे है, प्रॉपर का फॉर्मूला ये हमारा प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट में, छोटे मोटे फॉर्मूला है। उसके बाद आता है आपके
एक्सट्रैक्ट करने का, ज्वाइन करने का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा और यहाँ कुमार लिखता हूँ, तो हमारे पास कॉनकेटनेट का फॉर्मूला है। प्लीज म्यूट कर ले। और यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे स्पेस दिया कॉमा, दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आ गया सुजीत कुमार। लेकिन प्रॉब्लम होती है डेट में, कि हमने यहाँ पे डेट लिखा और यहाँ भी डेट लिखा, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने यहाँ पे दिया कि अंडरस्कोर यहाँ पे टू एंड परसेंट, इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 44,562 44,820 आया। तो इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण है कि मैं यहाँ टेक्स्ट ले लूँ, टेक्स्ट DD/MMM/YY, फिर एन परसेंट, फिर यहाँ पे टू, फिर एन परसेंट एन परसेंट टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया कॉमा DD/MMM/YY, एंटर प्रेस किया, ये आपके सामने आ गया। तो दो डेट को हम इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसमें फॉर्मूले में एंड लगाने का सर रीजन? ज्वाइन करने का जो कॉनकेटनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके सर, समझ गया। शॉर्टकट है, जैसे हुआ ना कि आपको दो वैल्यू जोड़ना है, तो आप लोग क्या करते हैं, सम करते हैं क्या, या प्लस कर देते हैं। ठीक, समझ गया सर? नहीं जी सर, सेम थिंग। थैंक यू सर। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब एक पूरी लिस्ट को जोड़ना, तो पूरी लिस्ट को जोड़ने के लिए आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब अब इसमें आप टेक्स्ट का फॉर्मूला, इसका कॉनकेटनेट फॉर्मूला एक एक सेल सेलेक्ट होता है, तो इसके लिए आपके पास आता है कॉनकेट का फॉर्मूला। ये नए एक्सेल में तो कॉनकेट में सेपरेटर नहीं होता, बट टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर आप सेपरेटर लगा सकते हैं। जैसे कि कॉमा, हमने बोला कि भाई ट्रू को इग्नोर करो, ब्लैंक इग्नोर करो और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कीजिए, ये रही आपकी टेक्स्ट ज्वाइन की फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस कीजिए।